जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर भी हैं और साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत आवाज़ के हामिल और सिंगर, बहुत ज़बरदस्त गाते भी हैं। सो हमारे पास चूँकि वक्त को कुछ कम ही होता है तो हम चीज़ें जल्दी जल्दी से आपके साथ जो है वो शेयर करते रहते हैं। साथ खालिद ने हमें ज्वाइन किया है, अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसे? थैंक यू सो मच साथ, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों काम मुश्किल हैं जो आप कर रहे हैं, एक्टिंग भी और सिंगिंग भी। सो मुझे बताइएगा ये माशाल्लाह से दोनों टैलेंट कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। मेरा ख्याल है कि काम तो आपका भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं इसको देखता हूँ। लाइव शो को मैनेज करना इस तरह करके आके और बोलना, ये बहुत बड़ा टास्क है। आते फेस करना कैमरे को, आई थिंक हर काम जो आप कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी इस बेशक आप सिंगिंग कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, ये वाकई मुश्किल काम है और ये लगन का काम होता है और मेहनत का काम है। बिल्कुल, आप इसमें जितना ज़्यादा, यानी एक दो दिन में नहीं आप सीख लेते इसके लिए। देखिए ओवर, मैं तो आना यकीन जानिए, ओवरनाइट सेंसेशन जैसे हम कहते हैं वो बड़ी एक अजीब सी टर्म है मेरे लिए। आप ये देखें कि जब तक मेहनत नहीं होगी कंटिन्यूस, उसमें आपको थोड़े से धक्के भी लगते हैं। हाँ। फिर आपको उसका हार का सामना करना पड़ता है। उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं ना। उसके बगैर आप गिरते हैं तो फिर आप उठते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और वो जो मेहनत होती है आपकी, वो रंग लाती है। बिल्कुल सही कहा। वो आप कंटिन्यूस देखें, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसीज देखें, वो आप करते रहेंगे तो फिर आपको काम। और ये आपकी कामयाबी का राज भी होता है। खैर, इंस्पिरेशन कौन था सिंगिंग की? अच्छा, सिंगिंग में क्योंकि जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा यू नो पसंद है, लेकिन सज्जाद अली साहब जो है वो मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट है। वो ना सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं बल्कि एक नफीस इंसान है सज्जाद अली भाई, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल। उसके अलावा अगर आप देखें हमारे लेजेंड्स में तो फिर हमारे जितने मेहदी हसन खान साहब हो गए, बड़े फिर हमारे अहमद रुश्दी साहब, प्लेबैक मेरे फेवरेट प्लेबैक सिंगर हैं पाकिस्तानी, अखलाक अहमद ए नैयर साहब मेरे बहुत पर्सनल जबरदस्त। तो इसी तरह ये जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं इनको सुन के सीखता हूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा साथ ही साथ एक्टिंग भी, सो एक्टिंग की तरफ कैसे आए? एक्टिंग का इस तरह से आना कि मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं स्कूल के टाइम से आऊँ और थिएटर करूँ खास तौर पे। और अपने देखिए परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसा मीडियम होता है कि जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। एग्जैक्टली, सिंगिंग है या एक्टिंग है, तो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे फैसिनेट कर गई। स्टेज पे आना, लोगों को फेस करना, स्टेज फ्राइट एक तो आपका खत्म होता है उसे, हमारे थिएटर की टर्म में कहते हैं फोर्थ वॉल। हम जब फोर्थ वॉल एक चीज़ बनाते हैं तो बेसिकली हम फिर सामने कौन बैठा है उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल, फिर हम ऑडियंस को फेस करते हैं आकर और फिर फुल कॉन्फिडेंस से आके हम परफॉर्म करते हैं। सही। आप मुझे ये बताइएगा कुछ फ्यूचर प्लान्स की तरफ आएंगे फिर, हमने आपसे ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, आप हमारे साथ आप मौजूद हैं तो सुने कुछ ना, मुझे बस फ्यूचर प्लान्स बता दीजिएगा क्या है आगे। फ्यूचर में ये कि मैं अपनी सिंगिंग को और एक्टिंग को लेके आगे चलना चाहूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली लव। वैसे तो मेरा काम मार्केटिंग का है तो मैं उसको करता हूँ, तो सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक। आप देखें आजकल के दौर में हर जो सिंगर है, जो प्लेटफॉर्म एक किसी प्लेटफॉर्म पर भी है, अल्टीमेटली वो मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। सो ये बड़ी चीज़ें आपस में इंटरलिंक, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाती हैं। जी साथ फिर से खिलने लगा, मुस्कुराने लगा, दिल था जैसे कभी वैसे ही गाने लगा, घर की दीवार से कुछ गीत बहने लगे, खुश्क पेड़ों पे कुछ ख्वाब रहने लगे, फिर से मैं जीने लगा, तेरे साथ उड़ने लगा, तेरे नाम की डोर से जुड़ने लगा, कोई तो एहसास है ये जन्मों की प्यास है, मैं दुनिया से क्यों डरूं जो तू मेरे पास है। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।